नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। योगेश लखानी ब्राइट एडवर्टाइजिंग के जो मालिक है, इनके संयुक्त विद्यमान से गत 11 साल से चिकुवाड़ी के इस धरती पर बहुत बड़ा लोक उपयोगी काम किया जाता है। 400 लोगों को 20 किलो का अनाज हर महीने वितरण करना, नोटबुक का वितरण करना, निःशुल्क चश्मा का वितरण करना, ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन करना और आने वाले दिनों में धानुकरवाड़ी में एक 25 बेड का डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ करना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पे काम होता हुआ मैं 26 साल के मेरे प्रतिनिधित्व के जीवन में पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं इनके संस्था से बहुत ही प्रभावित हूँ। भावेश भाई और उनके सभी जो साथी पदाधिकारी है, जो युवा वर्ग है, बहुत ही लगन से काम करते हैं। मैं भगवान से काम करता हूँ कि इनकी संस्था बहुत लंबे समय तक समाज के लिए काम करता रहे, यही मेरी शुभकामना है। आज के इवेंट में 400 लोगों को फैमिली को अनाज खरीद रहे भावेश भाई, ब्लड डोनेशन कैंप है, आई कैंप है और दूसरे मेरे दोस्त लोग भी है जो कांदेली में पॉलीक्लिनिक चला के गया है, उसमें भी फ्री सब एक्टिविटीज महीने में होते रहते हैं और मेरे दोस्त जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आज हमें अनाउंस कर रहे हैं और जितने भी चैरिटी का जो भी काम होगा उसमें मेरा सहयोग है। माता से जया भी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी मेम्बर का, भावेश भाई का, उनके डैडी का कार्यक्रम का पूरा डिटेल आपको दे देता हूँ। हम लोगों ने 50,000 नोटबुक प्रिंट कराए हुए हैं जो 4,000 बच्चों को 100 रुपये के दर से दिया जा रहा है। लॉन्ग बुक करीबन मार्केट में 600 से 700 रुपये डजन मिल रहा है और हम लोग कंसेशन रेट से आज दे रहे हैं। कल ये प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया है और आज मोस्टली आप जो लाइन देख रहे हैं उस हिसाब से शाम तक खत्म हो जाएगा। सर, ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए रखा गया है, नॉर्मली हम लोग हर अक्टूबर में रखते हैं गांधी जयंती के आसपास, ये हमारा चौथा ब्लड कैंप है, लेकिन इस बार बॉम्बे में, जैसा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बॉम्बे में ब्लड का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, जब भी रिक्वायर्ड ब्लड है ब्लड मिल नहीं पा रहा है, तो ब्लड बैंक ने हम लोगों को इंसिस्ट किया कि आप एक ब्लड डोनेशन कैंप कीजिए जब आपका इतना अच्छा ग्रुप है, तो इसलिए हम लोगों ने अभी बीच में एक नया ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो कर रहे हैं वो यही सोचे कर रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो सुबह 7 बजे से इस काम में लगे हुए रहते हैं। कल बारिश आने की वजह से हमारे वॉलंटियर्स रात भर यहाँ रहे ताकि ये बुक्स आए, तो जिस गति से और जिस तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसमें जुड़े और हम एक दिन ऊंचाइयों को छुए। ये हम लोगों का डाली सिलेंडर का फोटो है जो पूरा फ्लोर हम लोगों ने लिया हुआ है, 6,000 फुट का जगह है, उसके अंदर हम लोग इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर 25 बेड का हॉस्पिटल चालू करना चाह रहे हैं। सेकंड, अगर रेगुलर और प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाएंगे तो हम लोग उसको सेकंड फेज के अंदर 45 बेड का हॉस्पिटल कर देंगे। डोनेशन हम लोगों को मिल रहे हैं, काफ़ी समाज से ही लोग हैं जो लोग अपना पैसा देना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आज भी 11 लाख रुपये 3 लोगों ने हम लोगों को दिए जो इनिशियली पार्ट पेमेंट दिया है और फ्यूचर में भी वो लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ज़्यादा डोनेट करना चाह रहे हैं। मेल पावर भी है जो दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट है। मातोश्री जयाबेन हिम्मतलाल के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ से ये काम सालों से चलता है, लेकिन दिन पे दिन ये काम अच्छी तरह से बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग में आज आपके सामने हमारे ब्राइट के हमारे साहेब है योगेश भाई और ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे महानुभाव, जैसे अभी खासदार साहब आके गए हैं और डे बाय डे ये चीज़ बढ़ती जा रही है, अच्छी तरह से बढ़ती है, लोगों की सेवा के लिए बढ़ती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि भारतवर्ष के सभी जो नागरिक है उनके तक आज इतने सारे मीडियाज आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो लोगों को यहाँ मैसेज जाना चाहिए कि बोरीवली में एक ऐसी संस्था है, मातोश्री जयाबाई हिम्मतलाल चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक संस्था है, उनके सभी एनजीओज उनके सभी कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और ये काम को सराहने के लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे आ रहे हैं और डे बाय डे अगर ये काम आगे बढ़ा तो हम बहुत सारी अच्छी सेवा करना चाहते हैं। ये मेरे वार्ड क्रमांक 17 में है तो इसका मुझे बहुत अभिमान है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।